पहली पत्नी को 3 तलाक देने और दूसरी महिला खरीद कर लाने के मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने लोगों ने बुधवार को महिला पुलिस थाना प्रभारी से की है मुलाकात। ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में FIR भी दर्ज करवाई गई है। आरोपी युवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग रोड़ा वाड़ी के रहने वालों ने आज महिला थाने में आकर की है और गुहार लगाई है कि इस आरोपी पर कार्रवाई की जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, सुनिए। जी, लड़की को, मेरी बहन को, चाचे की लड़की थी, उसको उसके घर वाले ने 3 तलाक दे दिया। उसके बाद ये बिहार से दूसरी शादी करके ले आया। उसके लिए हम कानून के पास आए, कानून का दरवाज़ा खटखटाया इस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए। महिला पुलिस थाने में आए थे, वहाँ हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद हम पुलिस अधीक्षक के पास गए, उन्होंने हमारा मुकदमा दर्ज किया है और अब तफ्तीश कुसुमलता के पास है, महिला थाना हनुमानगढ़ जंक्शन। क्या चाहते हैं आप? हम ये उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, जिस कानून ने 3 तलाक का मुद्दा ही ख़त्म कर दिया है और फिर भी उस लड़के ने इसको, लड़की को 3 तलाक दिया है। कुसुमलता जो इस केस की तफ्तीश कर रही है, उसके सामने उसने 3 तलाक दिया है, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। थाने के रहने वाले हैं वो, क्या नाम है उनका? वो भी रोड़ा वाली के रहने वाले लड़का, और लड़की भी रोड़ा वाली के रहने वाली। लड़के का नसीर हुसैन उर्फ नजीर हुसैन।